जब संबंधों में कोई मनमुटाव हो जाता है तो फिर आगे कैसे चलें? सबसे पहले समझें कि हर संबंध में कोई ना कोई कमी होगी, कोई बाधा आएगी, किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा और दुख अवश्य ही होगा। अगर इस बात की जानकारी हो तो समझें कि जैसे नमक का स्वाद नमकीन होता है, शक्कर का स्वाद मीठा होता है, वैसे दो लोगों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध हो उसमें कभी सुख कभी दुख, कभी आनंद की घड़ी कभी कष्ट इत्यादि की घड़ी आएंगी। तो अगर इस बात का आपको पूर्ण आभास है और इसकी अपेक्षा है तो जब इस प्रकार की परिस्थिति आए तो समझें मुझे सहन करना है, दूसरा मुझे धीरज रखना है, तीसरा हमें क्षमा करने की क्षमता और शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम क्षमा न कर पाए इस कलयुग में किसी भी संबंध को बनाए रखना असंभव है। क्षमा करने के पश्चात चौथा, मन में आशा बनी रहे कि भविष्य में संबंधों को हम और सुधार सकते हैं और उस आशा के साथ हम अपने उस संबंध को सुधारने के लिए विशेष कुछ कदम उठाएं जिससे हमारे संबंध में सकारात्मक परिवर्तन हो।